कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। प्रश्न, प्रथम चतुर्थांश वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर इसे 4 एवं रेखाओं x बराबर इसे 0 एवं x बराबर इसे 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला पाए, दूसरा पाए बाय 2, सी पाए बाय 3, डी पाए बाय 4। तो आइए देखें जरा हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखे कि वृत्त का जो समीकरण दिया है उसे ध्यान से देखें। तो ये दिया है वृत्त क्या x की घात 2 धन y की घात 2 बराबरी से 4, दो रेखाएं दी है तथा रेखाओं एक है x बराबरी से 0 और दूसरी है x बराबरी से 2 से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये रेखा हमारे पास जो y अक्ष कहलाती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये x बराबरी से क्या है, 0। ये है x बराबरी से 2 और ये इस वृत्त का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। केंद्र 0, 0 और त्रिज्या इसकी 2 इकाई। तो इससे घिरा जो क्षेत्र है ना, तो इस और प्रथम चतुर्थांश में तो ये भाग ये है, इस क्षेत्र का हमको क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को कहां छायांकित भाग में दर्शाए गए, छायांकित भाग में दर्शाया गया है, जो कौन से प्रथम चतुर्थांश में, जो प्रथम चतुर्थांश में है। ध्यान से देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश में है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 0 से 2 की स्थिति है, इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। हमारे पास में अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि वृत्त का समीकरण था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब वाई स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए जब y लिखेंगे तो y बराबरी से ये दोनों के दोनों पद करने के अंदर चले जाते, तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 ऋण x की घात 2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे इसे 0 to 2, y की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला कौन सा है, ध्यान से देखिए, यदि आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो करने के अंदर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो, तब हम उसको क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसी रूप में हम इसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब हमारे पास ए स्क्वायर मीन्स
टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यथा डी एक्स। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या 1/2 एक्स, मतलब एक्स बाय टू लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को 2 की घात 2 या 4 लिखा जा सकता है, प्लस ए की घात 2, 2 की घात 2, 2 दुनी 4 बटे 2, ए स्क्वायर बाय 2 हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स तो एक्स ही है, ए मतलब 2, सीमा है 0 से 2। हम में से सब जानते हैं एक्स की जगह पर पहले 2 रखेंगे, उसके बाद ऋण का चिन्ह लगा के एक्स की जगह पर 0 लिखेंगे। तो यदि हम यहाँ लिखते क्या 0/2, ओ सॉरी यहाँ लिखेंगे 2/2, पहले 2 लिखेंगे, 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4/2 2, साइन इनवर्स 2/2, एक्स जहाँ जहाँ पर था वहाँ वहाँ पर हम 2 लिख चुके हैं, अब इसके बाद में माइनस साइन लगा के एक्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो पहला आ जाएगा 0/2 रूट 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा देंगे 4/2 मीन्स 2 साइन इनवर्स 0/2। अब इसके हल को ध्यान से समझे तो इसका हल, क्योंकि ध्यान से देखे तो ये तो 1 आएगा लेकिन 2 2 जा 4 ये हो गया 0, तो इसका हल 0 प्लस 2 sin inverse 2/2 means 2 into sin inverse 1 माइनस, ये पद तो समाप्त, मतलब क्या हो गया 0। माइनस 2 into sin inverse 0, 0 में 2 का से डिवाइड करेंगे तो 0। अब हम जो जानते हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1 होता है, तो जब हम किसे साइन इनवर्स पाई को लिखेंगे 1 को लिखेंगे तो उसकी वैल्यू होगी पाई बाय 2 के बराबर। इसी प्रकार हम जानते हैं क्या कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जब हम साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 डिग्री। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसकी वैल्यू पाई बाय 2, इसकी वैल्यू 0, मतलब केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पाई बाय 2। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखें 2 into sin inverse π/1 की वैल्यू पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया तो बराबरी से क्या आ गया, बराबरी से हमारे पास जो उत्तर आया वो है पाई वर्ग मात्रक, पाई वर्ग मात्रक। और ध्यान से देखिए तो ये तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अतः उत्तर अतः उत्तर ए क्या था पाई वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।